नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, आम से लेकर खास तक के लिए चिंता का विषय बन गया है। आपको बता दें कि अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में 24 घंटे के अंदर कोरोना पॉजिटिव के 421 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें, तो पटना में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटे के अंदर सिर्फ राजधानी पटना में 167 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। आपको बता दें कि सबसे खास बात यह है कि टॉप 10 राज्यों की सूची में, जिसमें कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं, उसमें अब बिहार का भी नाम शामिल हो गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 421 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 275 मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी पटना की बात करें, तो सबसे अधिक 167 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,25,475 सैंपल की कोरोना टेस्टिंग हुई है। बिहार में जिन जिलों में सर्वाधिक संक्रमण के नए मरीजों की पहचान की जा रही है, उसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया शामिल है। 20 से अधिक नए संक्रमित मरीजों की पहचान इन्हीं 4 जिलों में हो रही है। वहीं खगड़िया में भी 20 से अधिक संक्रमित 10 जुलाई को मिले हैं। पटना में औसतन 150 से अधिक नए संक्रमित मिल रहे हैं। राजधानी पटना की बात करें, तो 10 जुलाई को 167, 9 को 220 और 8 जुलाई को 165 नए संक्रमित मिले थे। वहीं गया में 8 को 46, 9 को 2 और 10 जुलाई को 45 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई थी। भागलपुर में 8 और 9 जुलाई को 17 और 40 संक्रमित मिले थे। मुजफ्फरपुर में 24 और 15 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं भागलपुर में कुल 167 एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य कर सकती है। इसमें मास्क का प्रयोग जरूर किया जा सकता है। हालांकि इनको लेकर अब तक आधिकारिक रूप से आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं बता दें कि बिहार कोरोना संक्रमण के नए मामलों को लेकर देश के 10 शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। शनिवार को केरल में सर्वाधिक 3,310 और रविवार को 3,186 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 10वें स्थान पर पहुंचे बिहार में शनिवार को 408 और रविवार को 421 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।